संस्कृति तो स्कूल में शनिवार को भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्र, शिल्प कला, विज्ञान, स्वच्छता, खेलकूद की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। दो दिवसीय समारोह की जानकारी देते हुए प्राचार्य कर्नल ए के त्यागी ने बताया कि प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दर्शाया, साथ ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने के संदेश दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं ने राजस्थानी संस्कृति के साथ गीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में स्कूल के निदेशक मुकेश गोयल ने बताया कि शहर के गणमान्य लोगों के साथ अन्य स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लेकर प्रदर्शनी का आनंद उठाया। संस्कृति द स्कूल अजमेर अपना 16th एनुअल एग्जीबिशन आज 21 और 22 तारीख को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अंदर हम हमारा जो थीम है वो है बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। इसमें हमारे पुराने प्लास्टिक के पार्ट्स, वुडन पार्ट्स जो हमारे पास में स्टोर पड़े रहते हैं, उनसे वायर्स, यूज्ड वायर्स, उन सबसे हमने मिल के क्राफ्ट और आर्ट के आइटम्स बनाए। और इसी तरीके से साइंस परफॉर्मर्स ने भी बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट के हिसाब से अपने आप को, अपने प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया है। इसमें आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश डिपार्टमेंट्स ने एक नुक्कड़ नाटक के जरिए ये अहमियत बताई है कि हम किस तरीके से हमारे आसपास जो कचरा है, वेस्ट है, जिसको हम जिस आइटम को हम सोचते हैं कि नगण्य है, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसको तो कितनी खूबसूरती से बच्चों ने यूज़ किया है। मैं चाहता हूं कि अजमेर वासी सभी लोग यहां पर आएं और प्रदर्शनी को देखें, बच्चों ने जो कार्य किया है उसको सराहें। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।